तो ये टेस्ट का नाम है FOBT, फीकल ऑकल ब्लड टेस्टिंग। कोलोरेक्टल कैंसर मतलब बड़ी आंत के कैंसर अभी इंडिया के चौथे मोस्ट कॉमन कैंसर है। ऑकल ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो वो पेशेंट को डेफिनेटली कोलोनोस्कोपी करना चाहिए। जब किसी को कैंसर होता है तभी उसको लगता है यार क्या ये मैं जल्दी डिटेक्ट कर सकता था, या होने के पहले ही मैं इसको डिटेक्ट करके प्रिवेंट कर सकता था। ये क्वेश्चन तब हमारे मन में आता है जब हमारे किसी रिलेटिव को कैंसर होता है या खुद को कैंसर होता है। तो इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि क्या बड़ी आंत का कैंसर हम जल्द से जल्द डिटेक्ट कर सकते हैं। मुझे आपको ये बताना है कि बड़ी आंत का कैंसर डेफिनेटली हम जल्द से जल्द डिटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से। कोई भी कैंसर नॉर्मल आदमी में क्या कोलन का कैंसर है या नहीं है ये डिटेक्ट करने के लिए बहुत ब्यूटीफुल टेस्ट है, आइडियल टेस्ट है, उसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं और उसका नाम है फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग, यानी कि हमारे स्टूल में ब्लड है या नहीं है, वो भी ऑकल्ट मतलब जो आईज को ना दिखने वाला ब्लड। स्टूल में ब्लड है मतलब रेड कलर का स्टूल है, ब्लैक कलर का स्टूल है, स्टूल पास करने के बाद ब्लड हो रहा है, वो तो ऑब्वियस ब्लड हो गया, मतलब उसमें तो हमें डेफिनेटली आगे जाके इवेल्युएट करना है। बट जब कैंसर की बहुत शुरुआत की लागन रहती है या कैंसर रहता भी नहीं, जब एडिनोमा की स्टेज में रहता है, तब भी थोड़ा सा हमारे स्टूल में ब्लड पास ऑन होता रहता है, वो नेकेड आइज से दिखाई नहीं देता है, बट जो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, जो खून के पेशी रहते हैं, कोशिकाएं रहते हैं, वो हम स्टूल में डिटेक्ट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। जब हम फीकल ऑकल ब्लड टेस्ट करते हैं तो स्टूल का सैंपल लेते हैं, उसमें आरबीसीज है या नहीं है ये डिटेक्ट करते हैं। अगर हमारे स्टूल में आरबीसीज है मतलब ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो वो पेशेंट को डेफिनेटली कोलोनोस्कोपी करना चाहिए। कोलोनोस्कोपी क्या है, तो एंड को बड़ी आंत का पूरा जांच किया जाता है एंडोस्कोप से। तो सिंपल कोलोनोस्कोपी करने के पहले सिंपल टेस्ट है फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट करना, यानी कि स्टूल में आरबीसीज है या नहीं है ये देखना। और ये स्क्रीनिंग मेथोडोलॉजी से वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलमोस्ट 33% कोलन के कैंसर प्रिवेंट किए हुए हैं। मतलब कोई एडिनोमा इंटेस्टाइन में होता है या कोई छोटी गठन होती है उसका कैंसर में रूपांतर होने के लिए 10 से 12 साल लगते हैं। अगर हम एडिनोमा की स्टेज पे ही वो निकाल देते हैं तो आगे कैंसर होने से हम बच सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं, तो सिर्फ हमारा स्टूल सैंपल चेक करने से। तो इतना ईजी सिंपल टेस्ट है, इसका नाम है फीकल ऑकल ब्लड टेस्ट। और ये कब करना चाहिए, ये हर एक को करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी इंसान 45 उम्र के नीचे है तो ये उसको करने की जरूरत नहीं है, ये आफ्टर एज ऑफ 45 ही करना चाहिए। या आपके फैमिली में किसी को कोलन का या बड़ी आंत का कैंसर हुआ है तो उससे 5 से 10 साल वो पेशेंट के एज से 5 से 10 साल पहले हमें ये करना चाहिए। हाँ, इसका एक ही प्रिकॉशन है, ये कब करना चाहिए, कोई अगर नॉनवेज खा रहा है तो उसको 7 दिन नॉनवेज खाना बंद करना चाहिए और उसके बाद हमारा स्टूल सैंपल चेकिंग को देना चाहिए। इसी तरह आपको किसी भी कैंसर की और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमें आप पूछ सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी को, कोलोरेक्टल कैंसर मतलब बड़ी आंत के कैंसर अभी इंडिया के चौथे मोस्ट कॉमन कैंसर है, तो ये वीडियो जरूर आपके सभी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या सब में फैलाइए। ये शेयर करने में हमारी मदद कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये कैंसर अवेयरनेस बढ़ाने में हमारे साथ आपके हाथ जुटाइए। धन्यवाद।